महाराष्ट्र में फाइनली लगातार उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ में की जा रही कार्रवाई के बीच में अब जो है एक बार फिर से शिवसेना के सांसद संजय राउत को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे की जब से सरकार गिरी है लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत और साथ में ही उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा सीधा सीधा उद्धव ठाकरे और एक सिंधे दोनों लोगों को नोटिस भेजा गया है और बोला गया है कि दो के दोनों लोग जो है दस्तावेज पेश करें कि आखिरकार शिवसेना पे सबसे ज्यादा हक किसका है, इसको लेकर उनके द्वारा दस्तावेज मांगा गया है। लेकिन अब इन सब चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र में शिवसेना नेता संजय राउत ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बाला साहब ने 56 साल पहले हिंदुत्व को ध्यान में रखकर शिवसेना की स्थापना की थी और अब जो है चुनाव आयोग इस पर सवाल उठा रहा है, यह महाराष्ट्र के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है। राउत की प्रतिक्रिया चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद आई, जिसमें उसने सिंधे और उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना में नेताओं की मेजॉरिटी साबित करने संबंधी कागजातों की मांग की थी। राउत ने कहा कि आज उद्धव ठाकरे ही शिवसेना के एकमात्र नेता हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहती है। वही चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह रिजर्वेशन एवं अलॉटमेंट आदेश 1968 के पैराग्राफ 15 के तहत दोनों पक्षों से कागजात मांगे हैं। इससे पूर्व सिंधे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण खुद को दिए जाने की मांग की थी। इसके पीछे उन्होंने लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा में मौजूद अपनी संख्या को आधार बनाया था। लेकिन अब इसको लेकर सीधे सीधे संजय राउत ने निशाना साधा है और उनके द्वारा बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ में ये कार्रवाई करके सीधा सीधा उद्धव ठाकरे का मजाक उड़ा रही है, जो कि बाला साहब ठाकरे जो कि 56 बाला साहब ठाकरे ने इस पार्टी की संरचना की थी और आज जो है इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सीधे सीधे इनके द्वारा केंद्र सरकार और साथ में ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी निशाना साधा गया है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।